और ये मैं श्रीनगर पहुंच गया। काफ़ी अच्छा है श्रीनगर, देख सकते हैं आप। और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर। अब बस अब धारी देवी जाऊँगा दर्शन करके, दोबारा घर आऊँगा। ये धारी देवी के चौराहे, यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। ये मार्केट है यहाँ का। ये धारी देवी का छोटा सा मार्केट है। और यहाँ से आप मंदिर की, ये मंदिर का गेट है, यहाँ से अंदर जा सकते हो। मैं धारी देवी के अंदर वो कर दिया है एंटर, मैंने धारी देवी के अंदर प्रवेश कर लिया है। और खूबसूरत ये मंदिर नदी के बीच में, ये देखो लोग अपना एंजॉयमेंट करते हैं नदी के किनारे। हेलो दोस्तों, मैं मंदिर के अंदर से होके आ गया। मैंने भगवान जी के दर्शन ले लिया और अब मैं वापस जाने की तैयारी। ये देखो मेरे पीछे लोग नदी में कैसे एंजॉय कर रहे हैं। सुकून मिला यहाँ पर आके। ये पुल, यहाँ पर छोटे छोटे मार्केट लगे हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पर छोटे छोटे मार्केट हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, मज़ा आ गया धारी टेंपल में। आप भी आ सकते हो यहाँ पे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये देखो छोटे बच्चे घोड़े का मज़ा लेते हुए सवारी का। और ये बहुत ही बढ़िया बीच यहाँ पे धारी देवी जहाँ पर स्थित है। और वहाँ से नीचे आने का रास्ता था। ये छोटे छोटे मार्केट यहाँ पर लगे। यहाँ पर आप इधर से गाड़ी पार, गाड़ी भी ला सकते हैं अगर जिसको गाड़ी लाना है, पर मैंने गाड़ी ऊपर खड़ी कर दी है ताकि मैं थोड़ा पैदल चल के देख सकूँ। ओ बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, आप भी जरूर आना यहाँ पर और इस बीच का भी मज़े लेना और मंदिर के दर्शन भी लेना। चलो तो मैं अब घर के लिए निकलता हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। जय माता दी। ये देखो छोटे बच्चे घोड़े का मज़ा लेते हुए सवारी का। और ये बहुत ही बढ़िया बीच यहाँ पे धारी देवी जहाँ पर स्थित है। और वहाँ से नीचे आने का रास्ता था। ये छोटे छोटे मार्केट यहाँ पर लगे। यहाँ पर आप इधर से गाड़ी पार, गाड़ी भी ला सकते हैं अगर जिसको गाड़ी लाना है, पर मैंने गाड़ी ऊपर खड़ी कर दी है ताकि मैं थोड़ा पैदल चल के देख सकूँ। ओ बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, आप भी जरूर आना यहाँ पर और इस बीच का भी मज़े लेना और मंदिर के दर्शन भी लेना। चलो तो मैं अब घर के लिए निकलता हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। जय माता दी। और अब मैं
घर के लिए वापस चले गया हूँ। और ये काफ़ी अच्छा ट्रेवल रहा मेरा धारी देवी के लिए। और मैं घर से कल निकला 11 बजे और मैं 3:30 बजे बोड़ी पहुँच गया। तो मैं बोड़ी रुका तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। आपको ड्राइविंग करने में कोई मुश्किल नहीं रहेगी, बस थोड़ा सा रोड ख़राब है वहाँ पर, बहुत जाम रहता है, ट्रैफिक रहता है, तो आपको वहाँ से सही से चलाना होगा। और ये देख सकते हो आप खुली रोड, आराम से आ सकते हो इस धारी देवी के दर्शन करने के लिए। चलो फिर मिलते हैं आगे। देखो यहाँ बस, यहाँ पर ही रास्ता ख़राब है, अच्छा देख सकते हो अब जाम लगा है बहुत। ये वही शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह के नाम पे स्टेडियम है ना, और ये यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ग्राउंड है, कभी पौड़ी आओगे तो राशि भी आना। थैंक यू भाई।